कोयला ब्लॉक आवंटन प्रक्रिया में हुई कथित अनियमितताओं के लिए 1993 से सत्ता में रही सरकारें जिम्मेदार। संसद की स्थायी समिति ने दी अपनी रिपोर्ट। सभी कोयला ब्लॉक आवंटनों पर पुनर्विचार और व्यापक समीक्षा की मांग। समिति की रिपोर्ट में उत्पादन नए शुरू करने वाले खंडों का आवंटन रद्द करने की सिफारिश। समिति ने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी की प्रक्रिया में भेदभाव की भी होनी चाहिए जांच। समिति ने उत्पादन के दौरान कंपनियों का निरीक्षण न किए जाने पर सरकार की आलोचना। कोयला ब्लॉक आवंटन को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने आगे की रणनीति पर विचार विमर्श के लिए की बैठक। बैठक में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मौजूद। 2G और अन्य मामलों में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से की इस्तीफे की मांग। पार्टी ने कोल ब्लॉक आवंटन मामले की CBI रिपोर्ट का खुलासा मामले में कानून मंत्री अश्विनी कुमार को हटाने की मांग भी की। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को सरकार ने किया खारिज। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी पिछले 9 सालों से कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर चुका है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि 2G मामले पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक होने वाली है। उन्होंने कहा कि बैठक में सभी को अपने विचार रखने का हक है और इसमें इस्तीफे का नहीं उठता कोई सवाल। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के इस्तीफे की मांग को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने गैर जरूरी करार दिया। NCP नेता तारिक अनवर ने कहा कि JPC का गठन विपक्ष के आग्रह पर हुआ और रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति हो पाएगी स्पष्ट। CPM ने कहा कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। CPM नेता गुरुदास दास गुप्ता ने कहा प्रधानमंत्री ने अपने कर्तव्यों का नहीं किया पालन, कहा नहीं निभाए वायदे। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदा मामले में रिश्वत की जांच कर रही CBI ने पूर्व वायुसेना प्रमुख SP त्यागी और दूसरे आरोपियों के बैंक खातों पर लगाई रोक। विदेश मंत्रालय ने कहा चीन के साथ सभी मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा लिया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार चीन के सैनिकों की ताजा घुसपैठ वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति साफ न होने के कारण हुई। कहा मुद्दों को सुलझाने के लिए समय की है आवश्यकता। कैग ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के क्रियान्वयन में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं पाई। अपनी रिपोर्ट में कैग ने मनरेगा के तहत पिछले 2 साल में न केवल रोजगार बल्कि फंड के इस्तेमाल में भी कमी आने की बात कही। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अनुमान के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के दौरान कृषि की वृद्धि दर 3.5%, उद्योग की 4.9% और सेवा क्षेत्र की 7.7% रहेगी। लगातार दूसरे दिन भी संसद की कार्रवाई हुई बाधित। JPC की ड्राफ्ट रिपोर्ट, 2G, कोल ब्लॉक आवंटन व चीनी सैनिकों की घुसपैठ जैसे मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा। लोकसभा और राज्यसभा दिन भर के लिए स्थगित। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज कर्नाटक के रायचूर में चुनावी रैली में भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना। कहा 5 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा हारेगी। कहा कांग्रेस सरकार बनने पर बिजली पानी जैसी आम सुविधाएं होंगी उपलब्ध। दिल्ली की एक अदालत ने 5 वर्षीय बच्ची से बलात्कार के मामले में गिरफ्तार दूसरे आरोपी प्रदीप को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। आरोपी को बिहार के लखीसराय से किया गया था गिरफ्तार। UEFA चैंपियंस लीग के पहले सेमीफाइनल में आज विश्व के 2 बेहतरीन क्लब बायर्न म्यूनिख और बार्सिलोना एक दूसरे से भिड़ेंगे। आंकड़ों के हिसाब से बारसा का पलड़ा बायर्न के खिलाफ मजबूत।